ये लगा दो जय सिंह भाई, अब गुरु जी लगा दिया। मैं चेतन चौहान, नमस्ते राजस्थान न्यूज़ से। आज नारायण सेवा समिति के यहाँ पैसिफिक स्कूल नयापुरा में जो 10 जोड़ों की शादियाँ हो रही है उसके बारे में हम सबसे जानना चाहेंगे। नमस्ते, श्री नारायण सेवा समिति मंडोर के अध्यक्ष के नाते मैं मनोज सिंह आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समिति का सर्वजातीय 8वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज पैसिफिक गार्डन नयापुरा मार्केट में होने जा रहा है। इसमें हिंदू समाज के सभी जातियों के 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है। समिति पिछले 10 साल से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य का यज्ञ नियमित रूप से करती आ रही है। समिति का सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक मुख्य कार्यक्रम है। इसके साथ भव्य दशहरा महोत्सव और गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हमारा समिति का मुख्य कार्यक्रम रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जोड़ों के माता पिता सगे संबंधियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए समिति की ओर से आपको पुनः स्वागत करता हूँ। आगे की गतिविधि के लिए हमारे महासचिव श्री जयंत जी आपको जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आज की इस विवाह समारोह के कार्यक्रम के संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगा। समाज में जो आर्थिक रूप से दिखावा शादियों के अवसर पर विभिन्न समाज में होता है उसकी रोकथाम के लिए और एक सामाजिक समरसता का भाव बने, एक साथ समग्र हिंदू समाज एक जाजम पर रहे, इस मूल भावना के साथ हमारी समिति ने सर्वजातीय विवाह सामूहिक विवाह ये करने का निर्णय किया और हम आज इसमें सफल भी रहे कि हमारे यहाँ 10 जोड़ों का आज परिणय सूत्र बंधेंगे। इसमें विभिन्न समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जो जोड़े हमारे यहाँ पर विवाह योग्य पंजीयन होता है हमारी छानबीन समिति उनके पूरा जांच करती है, रिकॉर्ड का जांच करती है, परिवार की जांच करती है और विवाह के पश्चात भी ये दंपति सुखी रहे, किसी प्रकार का इनके दाम्पत्य जीवन पर कोई असर ना हो इस बात का भी हमारी समिति ध्यान रखती है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 8 जो हमने सामूहिक विवाह किए ईश्वर की कृपा से सारे जो जोड़े यहाँ से विवाह समारोह में भाग लेते गए हैं आज वो बल्ली प्रकार से उनका परिवार फलीभूत हो रहा है और हमारा ये प्रयास होता है कि हम इस प्रकार से इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमारी समिति विवाह समारोह के इस सामूहिक विवाह समारोह के अलावा भी विभिन्न कार्यक्रम, वो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम है, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है, रक्तदान से संबंधित कार्यक्रम है, ये जो सभी कार्यक्रमों में हमारी समिति का सहयोग समाज के लिए रहता है, चाहे वो भलाई की भीड़ के माध्यम से वस्त्रों का वितरण करना हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और ऐसी संस्थाओं का सहयोग करना हो और चाहे
जो धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं, चाहे रामनवमी का कार्यक्रम रहे, चाहे परिक्रमा का कार्यक्रम रहे, या ऐसे दशहरा उत्सव है जिसमें जोधपुर का दशहरा उत्सव जो हमारी समिति के द्वारा किया जाता है वो जोधपुर की आम जनता में चर्चा का विषय है। इतना भव्य और इतना सुंदर तरीके से हमारी समिति का एक कार्यक्रम रहता है। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो समय समय पर समाज के अनुकूल होते हैं वो हमारी समिति करने का प्रयास करती है, जिसमें हमारी समिति के समस्त सदस्यों का और 36 कौम के लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलता है और हम सबका सहयोग लेकर के हर कार्य को पूर्ण करते हैं। नारायण सेवा समिति जो भी सामाजिक सरोकार के कार्य करवाती है बहुत ही काबिले तारीफ है, और जो आज 10 जोड़ों की यहाँ शादियाँ हो रही है वो भी बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी परिजन भी आए हुए हैं। हम नमस्ते राजस्थान न्यूज़ की तरफ से और जो लोग सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। चेतन चौहान, नमस्ते राजस्थान न्यूज़, जोधपुर से। आदरणीय संत श्री कुशाल जी महाराज हमारे विषय बता रहे हैं, हम सब समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी साहब से आग्रह करूंगा, कृपया संत श्री को आप सागर मंच पर लाकर रह दें। प्रसन्नता का अवसर है कि हमारे हिंदू श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज आज सभी गजाननम महाकाय सूर्यदा क्षेत्र में काम कर रही संस्था कामधेनु सेना आप और जय सिंह जी गहलोत से कृपया मंच पर बता रहे हैं। तारा सिंह जी सांगला के परिवार से जो पधारे हैं उनका साफा दुपट्टा स्मृति चिन्ह देकर भेंट करके बहुमान करें। आदरणीय मनोहर सिंह जी सांगला, आदरणीय रंजीत सिंह जी गहलोत और आदरणीय जय सिंह जी गहलोत, मेरा आग्रह रहेगा कृपया पधारे।